सर आपने कहा पहले जल मतदान उसके बाद जलपान। खाने में मडुए की रोटी है, आलू के गुटके हैं और धनिये की चटनी है। खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन यहाँ जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तो इतना ही स्वाद आने वाला है क्या? देखिए, इससे भी ज्यादा स्वाद आने वाला है, आप निश्चित मान के चलिए। जो आबो हवा आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछेंगे, मेरे बूथ पे 40% से ऊपर मतदान हो चुका है 9:30 बजे। सोचिए कि कितना उत्साह लोगों के अंदर, कितना भारी मतदान हो रहा है, और ये भारी मतदान मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। सर, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है आप यहाँ से? जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, अभी तो ये कि 5 लाख पार होगा, इसको लेकर भी आश्वस्त। सर, इसके साथ एक बात और समझना चाहेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू देखा, 100 दिनों के कामकाज का उन्होंने रोडमैप भी तैयार कर लिया, तो क्या अनिल बलूनी जी ने भी ऐसा कोई रोडमैप तैयार किया है पहाड़ के लोगों के लिए? कहा कि पलायन के खिलाफ लड़ाई युद्ध शुरू करेंगे, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख से काम शुरू कर देंगे। पलायन आयोग भी आपकी सरकार में ही बनाया गया था 2017 में, लेकिन क्या अब उसमें और आगे काम होने वाला है, क्योंकि पलायन की समस्याएं कम नहीं हुई है? मेरा तरीका है काम करने का, मैंने पलायन के लिए पहले भी काम किया, पलायन रोकने के लिए उसको और तेज करने वाला हूँ। सर, इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप सुलझाते हुए नजर आएंगे लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए? देखिए, एक फॉरेस्ट का इशू बहुत बड़ा है, जंगलात से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जंगल के विषय को कैसे जोड़ा जाए, जंगल जो है वो लोगों के जीवन में बाधा ना बन के उनके साथ बढ़े, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हम आगे जाके पूरा करेंगे। सर, इस बार कितने पार? हमने लक्ष्य बनाया था 500 पार का, तो 5 लाख पार का, तो 5 लाख पार करेंगे। और ऑल ओवर सीट्स 400 पार। आप देख रहे थे, सुन रहे थे अनिल बलूनी साहब को। अभी जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के दो लड़कों की जो शूटिंग चल रही है वो शूटिंग फ्लॉप होने वाली है, आप इस पर कुछ? हाँ, फ्लॉप ही है भैया। क्यों? क्यों, कुछ काम ही नहीं। दो लड़कों की नई पिक्चर आ रही है, नहीं देखेंगे? कुछ नहीं है, 10 साल से घर बैठे हैं। घर बैठे? यहाँ तो बीजेपी का राज चल रहा है। उनको घर आप ही ने बिठाया? हाँ, पब्लिक ने बिठाया, उनके अपने कर्मों ने बिठाया है। उन्होंने जो दिशा दी है वो दिशाहीन थी, वो सब बेकार है। आज का जो वोटर है वो समझदार हो रखा है, उसे पता है कि वोट कहाँ पे देना है, विकास को वोट देना है, किसी जातिवाद पे वोट नहीं देना। उनकी दुकान में सामान नहीं रहा जी, लड़कों की दुकान में? हाँ जी। कहाँ गया सामान? बस चला गया ही, अब तो खत्म हो गया बिल्कुल। आप हंस रही है, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी दुकान में सामान नहीं रहा। किसके? जिनकी अंकल पूछ रहे, लड़कों की, जो जो दो लड़के हैं, वे है कौन, हमें भी तो पता चलना चाहिए कौन है दो लड़के। जी सर, हम बताइए कौन, वही तो वो बता दे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो इन लोगों का क्या है, फिल्म तो बहुत दिन से कह रहे हैं मोदी जी बना रहे हैं लोग। जब कुछ नहीं है, रोड पे भी बिखरे फिरे, कह रहे हम युवा हैं, कुछ नहीं है, बेकार है। ग्रेस से भी पास नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होने के। क्यों? होने वाला ही नहीं, काम ही नहीं करा उन्होंने आज तक कुछ। आप टीचर हैं क्या? हैं? टीचर हैं क्या? हाँ, टीचर हूँ। टीचर कितने नंबर दे रही है? 0। लड़कों को 0 नंबर? बिल्कुल खत्म, नाम ही नहीं है उनका लिस्ट में। वजह? वजह तो कुछ कराई नहीं उन्होंने आज तक, सारी जनता जान रही उनका। लड़के कह रहे हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लग जाएगा मेहनत का। तो अपने परिवार के लिए कर रहे जी, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो जनता के लिए मेहनत नहीं करी उन्होंने कभी भी। वोट डालने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, खुद ही देख लेंगे वे। मोदी जी? मोदी जी तो चल रहे आगे, मोदी जी का तो जी 140 करोड़, जनता ही साथ में उनकी। क्यों? क्यों वो तो तुम्हें भी पता, क्यों सारी जनता कितने खुश है उनसे। आप बताइए लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या सोचते? भाई सब कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल जनता पूरी परसेंट 100% मोदी के योगी के साथ में, 100% पूरे, 100% पूरी पूरी खुश है जनता मोदी जी के। देखिए, आज आज यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 80 में से आज 10% पर ही वोटिंग है, लेकिन आज मूड तो सेट हो जाएगा कि किस तरफ ये इस बार वोटिंग की दिशा जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं। शहजाद, आज पहला चरण है वोटिंग का, और आज जहां अलग अलग यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही, यूं तो 102 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज फिर से वो फ्लॉप फिल्म वाला जो एक उनका डायलॉग है वो उन्होंने फिर दोहराया है, दो लड़कों की जोड़ी यूपी में, क्या इस बार असर दिखाएगी? शहजाद, इस बार खास तौर से बीजेपी को रोकने के लिए फिर से गठबंधन हुआ। सबसे पहले सुचारिता जी, लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मेरा सभी को जय श्री राम, और सभी लोग
पहले मतदान कीजिए उसके बाद अपना जलपान कीजिए जैसे आदरणीय बलूनी जी कर रहे हैं। परंतु सुचरिता जी, ये चुनाव किस चीज का है? मैं 10 सेकंड लेकर फिर आपकी बात पर आता हूं। ये चुनाव रामलला का है। र मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, ए मतलब अर्थव्यवस्था, एम मतलब महिला, एल मतलब लाभार्थी, एल मतलब लीडरशिप और ए मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है। और इसीलिए मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में मिशन और विजन के साथ काम करते हैं। तो 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर आ गई है देश में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनने जा रही है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था सुधरी है उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में, किस प्रकार से माफिया डॉन पर एक प्रकार से प्रहार हुआ है, उनकी संपत्ति पर प्रहार हुआ है और गरीबों का उद्धार हुआ है, तो ये आपके सामने है। मैं अपनी बात रख सकता हूं? आप जो ये बात और दूसरी हैं, तरफ और दूसरी जी, तरफ देखिए मैं ये इसलिए और दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो फिल्म को जनता ने 14, 17, 19, 22 और 23 में लगातार नकारा है, अमूमन ऐसी फ्लॉप फिल्मों के सीक्वल नहीं बनते। सुचरिता जी, फिल्मी दुनिया में उसी फिल्म का सीक्वल बनता है जो पहली बार हिट हो। अब ये 5 बार पिटी हुई फिल्म है फिर भी ये लेकर आ रहे हैं और उसमें स्टोरी और वो पूरा सीन वही है। परिवारवाद का सीन है, तुष्टिकरण का सीन है और स्टोरी लाइन भ्रष्टाचार की ही है। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के अलावा इनके पास कुछ नया नहीं है। इसलिए मोदी मिशन और विजन के साथ ये लोग पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली प्रोफेशन एंड डिवीजन के साथ और देश की जनता ऐसी फ्लॉप फिल्मों को फिर से हिट कराने के मूड में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि एक फिल्म जो फ्लॉप रही है उसका सीक्वल ही क्यों बनेगा, और अगर वो बन रहा है तो वो पहले से ही फ्लॉप उसकी नियति में है। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि सचिन पायलट आज वोट डालने गए हैं, उसकी तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। सचिन पायलट राजस्थान में भी 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, 12 सीटों पर आज वोटिंग है और सचिन पायलट भी अपना वोट डालने गए हैं, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर, और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। राजस्थान की यदि बात की जाए, 25 सीटें हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए 25 की 25 बीजेपी के खाते में उसके गठबंधन के पास गई है। इस बार हवा क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का राजस्थान। ठीक इसी वजह से, क्योंकि पिछली 2 बार से जनता ने पूरा विश्वास किया और सारी सीट जीतने के बावजूद भी प्रदेश को कुछ खास सौगात नहीं दे पाए और 10 साल की जो परफॉर्मेंस है एमपीज की जो भाजपा के जीत के गए उससे भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का, वो एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो कोई सीटों की बात ये नहीं दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको। और राजस्थान से सीधे महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना वोट डाला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट डाला और वहां पर उन्होंने हमसे बात भी की है। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में आज वोटिंग है और 102 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल हैं, तमिलनाडु की सारी 39 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना वोट डाला। विनंती आहे कि सर्वांनी या लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये सम्मिलित व्हावं आणि सगळ्यांनी मतदान करावं, अशा प्रकारची सगळ्यांना मी विनंती करतो, सगळ्यांना आवाहन करतो। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू है। अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में
अपने हिस्से। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपना वोट डाला है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ मुरादाबाद की सीट पर मौजूद हूँ।